हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हेल्दी बेसन एंड ओट्स का चीला। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी है। आप इसको एज अ डिनर, एज अ स्नैक, इनफैक्ट टिफ़िन में भी लेके जा सकते हैं। आगे स्क्रीन पे कुछ इंग्रेडिएंट्स आएंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ओट्स को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके उनका फाइन सा पाउडर बना लिया, क्योंकि कभी कभार हमारे पास ओट्स का आटा अवेलेबल नहीं होता। तो ये बेस्ट वे है, अगर आपके पास आटा नहीं भी है आप रेगुलर ओट्स को ग्राइंड कर सकते हैं। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून हमारा नॉर्मल बेसन भी डाल लिया, क्योंकि वो बाइंडिंग में हेल्प करता है। अब मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, इसमें कैरेट्स हैं, बीन्स हैं, प्याज हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो वेजिटेबल्स मैंने यहाँ मेंशन की हैं आप वही वेजिटेबल्स डालें। आप अपनी चॉइस की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। अब आगे हम स्पाइसेस देखेंगे, कौन कौन से स्पाइसेस डालेंगे। मैंने इसमें अजवाइन, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और सॉल्ट डाला है। अब हम बैटर प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। मैंने सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से साथ में पानी की मदद से मिक्स कर लिया है। ध्यान रखें कि आपका बैटर बहुत ही ज़्यादा थिक या बहुत ही ज़्यादा रनी ना बने। आपको एक फाइन सी कंसिस्टेंसी तक आना है, क्योंकि बैटर अगर ज़्यादा रनी होएगा तो चीला कुक नहीं होएगा, और बैटर ज़्यादा थिक होएगा तो चीला अच्छे से पकेगा नहीं और वो कच्चा रह जाएगा। तो हमने सारे अपने इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे ऐड करना है, और सब्ज़ी की जो रेशो है वो भी आपने खुद जज करनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सब्ज़ियाँ डाल देंगे तो हो सकता है जब आप कुक करेंगे आपका चीला बीच बीच में ब्रेक हो जाएगा और वो एज अ राउंड एक सरफेस बाहर नहीं आएगा। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। सबसे पहले मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करा और फिर मैंने धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करा ताकि एक रनी सी कंसिस्टेंसी मैं अटेन कर लूँ। आप आगे देख सकते हैं कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। अब मेरा बैटर तैयार है और मैं चीला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक नॉनस्टिक पैन पे मैं थोड़ा सा घी ब्रश कर लूँगी ताकि मेरा चीला ना चिपके। अगर आप ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हैं आप इस रेशो को कम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा घी तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब घी गर्म हो चुका है तो मैं धीरे से अपना बैटर पोर करूँगी अपने पैन में और एक राउंड सी शेप बनाऊँगी। ऐसा ना हो कि कहीं बैटर ज़्यादा और कहीं कम हो, आपने इवनली उसको स्प्रेड कर देना है और वेट करना है उसके कुक होने का। मैंने थोड़ा सा ऑयल साइड में भी ब्रश कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि आपका बैटर चिपक जाए, तो आई वांट कि साइड्स अच्छे से सेपरेट हो जाएं और मैं उसको लिफ्ट अप कर पाऊँ आगे जाके। तो आप भी अच्छे से इसको थोड़ा सा घी लगा के ब्रश कर दीजिए और सिम फ्लेम पे इसको 3-4 मिनट अच्छे से कुक होने दीजिए, ताकि बेस आपका पूरा अच्छे से कुक हो जाए। उसी के बाद आप फ्लिप करिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में फ्लिप करने की कोशिश करी चीला टूट सकता है। अब आपको दिख ही रहा होगा चीला काफ़ी अच्छे से पक चुका है, और अब मैं एक फ्लैट स्पून की मदद से इसको फ्लिप करूँगी। ये देखिए हमारा चीला नीचे से कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम फिर से इसको 3-4 मिनट तक सिम फ्लेम पे कुक करने देंगे। मैंने हल्का सा ऑयल ऊपर ब्रश कर दिया, यू कैन टोटली अवॉइड इट। 2-3 मिनट के बाद हमारा चीला बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा और फिर हम उसको अपनी सर्विंग प्लेट पे निकाल लेंगे। बीच बीच में आप उसको ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं। हमारा चीला अब एकदम तैयार है। मैं उसको पैन से प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। ये स्टेप बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपका चीला टूट जाए। अब हमारा चीला अच्छे से प्लेट पे आ गया है और देखिए वो कितना सुंदर लग रहा है। मैं चेक कर रही हूँ अच्छे से क्रिस्पी और कुक्ड है ये कि नहीं है। अब आप इस चीले को आराम से अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आप इसको दही, स्प्राउट्स, कुछ चटनी, जिस भी चीज़ के साथ आप खाना पसंद करें खा सकते हैं।